टाइगर थ्री के मेकर्स को दूसरे दिन बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल टाइगर थ्री को दिवाली की छुट्टी और रविवार दोनों का फायदा मिला। सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म ने ओपनिंग डे पर सभी भाषाओं में 44.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इतना ही नहीं, फिल्म ने साल 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 को भी मात दे दी। गदर 2 साल 2023 की तीसरी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस से 40.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वही टाइगर थ्री ने हिंदी बॉक्स ऑफिस से 43.2 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस तरह गदर 2 को पसार कर सलमान खान की टाइगर थ्री साल 2023 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। बता दें, टाइगर थ्री के आगे शाहरुख खान की दो फिल्में जवान और पठान है। जवान ने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ रुपए और पठान ने 57 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। अभी सलमान और कैटरीना के फैंस टाइगर थ्री की सफलता को एंजॉय कर ही रहे थे कि दूसरे दिन की शुरुआत या आंकड़े सामने आ गया है। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जाने वाली है। चैपनिक की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन 40 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म दूसरे दिन 10 करोड़ रुपए तक की कमाई नहीं कर पाएगी। जी हाँ, शुरुआती आंकड़ों को माने तो सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म सोमवार के दिन मात्र 7.04 करोड़ रुपए का कलेक्शन करेगी। यदि ऐसा होता है तो दो दिन में फिल्म की कुल कमाई 51.54 करोड़ रुपए तक पहुंच पाएगी। अगर टाइगर थ्री सोमवार के दिन 10 करोड़ रुपए से कम की कमाई करती है तो ये जवान पठान और गदर 2 के साथ साथ OMG 2 से भी पीछे रह जाएगी। वेल, टाइगर थ्री आपने देखा या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और से बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।